देश की राजधानी दिल्ली का सर्जरी स्कैन। एमबीबीएस डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट बीबी करती थी ऑपरेशन। मरीजों से लेते थे कम पैसे, जाने कितने लोगों को मार डाला। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं अपराध जगत की सबसे बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ग्रेटर कैलाश के एक क्लिनिक में हुए सर्जरी घोटाले में फरीदाबाद के एक अन्य डॉक्टर की संलिप्तता की संभावना का पता लगा रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी कि दिल्ली सर्जरी स्कैम यानी कि दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर कैलाश से दो डॉक्टरों और दो फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनके क्लिनिक में कम कीमत पर इलाज के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। खुलासा तब हुआ जब इस क्लिनिक में सर्जरी के बाद 45 साल के एक शख्स की मौत हो गई। अब जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस मामले में चारों आरोपियों के साथ साथ फरीदाबाद के एक और डॉक्टर का भी नाम सामने आ रहा है। पता चला है कि यह डॉक्टर भी उसी अस्पताल में लोगों का ऑपरेशन भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कहा कि इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आपको बता दें कि मामला साउथ दिल्ली के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश स्थित अग्रवाल मेडिकल सेंटर का है। यह अक्टूबर महीने में एक 45 साल के शख्स की सर्जरी के बाद मौत हो गई थी। इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए चार डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल, डॉक्टर जसप्रीत और ओटी टेक्नीशियन महेंद्र के रूप में हुई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नीरज और जसप्रीत खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन पूजा और महेंद्र फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे। डॉक्टर नीरज अपनी पत्नी पूजा से ऑपरेशन में मदद लेता था, जिसके बाद मेडिकल की कोई डिग्री भी नहीं है। वहीं झोला छाप महेंद्र भी उसी नर्सिंग होम में पित्ताशय के मरीजों का ऑपरेशन करता था। इन लोगों की लापरवाही के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस को जब 45 साल के मरीज की मौत की शिकायत मिली तो मामला संदिग्ध लगा। क्योंकि 2022 में भी यहां एक महिला की सर्जरी के बाद मौत हो गई थी। प्रसव पीड़ा के बाद उन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने बिना डिलीवरी के ही सर्जरी कर दी। डॉक्टर सफदरगंज अस्पताल में काम कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यह अग्रवाल मेडिकल सेंटर डॉक्टर नीरज अग्रवाल का। नीरज पहले सफदरजंग अस्पताल में काम कर चुके हैं। कुछ साल तक काम करने के बाद उन्होंने यहां मेडिकल सेंटर खोला, जिसमें उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल रिसेप्शनिस्ट और नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रही थी। महेंद्र इसी अस्पताल में ऑपरेशन टेक्नीशियन के तौर पर भी काम करता था। अस्पताल में डॉक्टर जसप्रीत जो कि एक सर्जन है का लेटर पैड रखा था। पुलिस ने एमबीबीएस डॉक्टर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। अगर कोई मरीज भी यहां आता था तो उसे सीधा ऑपरेशन के लिए कहा जाता था। पर्चा डॉक्टर जसप्रीत के नाम से बना था, जबकि ऑपरेशन टेक्नीशियन महेंद्र ने किया। इन लोगों की लापरवाही के कारण ऑपरेशन के बाद कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं अब उस डॉक्टर के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो इन लोगों के साथ मरीजों को ऑपरेशन करता था। इसके साथ ही पुलिस ने अग्रवाल मेडिकल सेंटर का लाइसेंस रद्द करने के लिए मेडिकल काउंसिल को पत्र भी लिखा है। इस सूत्रों ने कहा कि वो मामले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से संबंधित धाराएं भी जोड़ सकते हैं। इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया, लेकिन इस तरह के अस्पताल हर जगह
हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ले में खुले हुए, यानी देश की राजधानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हर सड़क पर आपको सैकड़ों अस्पताल देखने को मिल जाते हैं, जो इसी तरह से अपनी दुकानों को चला रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग आखिर इस पर क्या कुछ कर रहा, यह एक बड़ा सवाल है। क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? क्या समय समय पर इन अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता है? क्या समय समय पर इन अस्पतालों पर लापरवाही को लेकर कार्यवाही की जाती है? या जब किसी की मौत हो जाती है और मीडिया उस मामले को उठाती है, तब उस मामले पर एक्शन होता है? आइए आपको सुनाते हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज की अपराध जगत की इस खास रिपोर्ट के बारे में। पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। कंप्लेनेंट लेडी थी, उनके हस्बैंड को मेडिकल सेंटर में, जीके में एक मेडिकल सेंटर है, उसमें भर्ती कराया गया था गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल के लिए। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और एक दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट के आधार पे हमने प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिससे ये पता चला कि एक्चुअल सर्जर ने ये सर्जरी नहीं की है, बल्कि अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। सब्सिक्वेंटली हमने लीगल ओपिनियन लिया, लीगल ओपिनियन के बेसिस पे हमने ये केस रजिस्टर किया था साल 2022 में। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कॉज ऑफ डेथ वॉज स्टिल अवेटेड। रिसेंटली वी रिसीव द कॉज ऑफ डेथ from the panel of doctors at AIIMS, and the cause of death clearly showed that the death of the patient was due to excessive bleeding due to complications that arose during the surgery. And this year also we received one complaint in the month of October regarding a similar incident that happened to another patient. We are inquiring into the matter, and a very very thorough investigation has been done. Medical board was constituted by the expert panel of AIIMS, जिसने कि इनके जो मेडिकल सेंटर है उसकी सर्च की। सर्च में पाया गया कि इनका जो OT है, इक्विपमेंट्स हैं, दे आर नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड SOP, और बाद में हाउस सर्च वारंट भी लिया गया कोर्ट से, और इनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिंस, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक पेपर्स साइंड बाय डॉक्टर्स। वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड द अक्यूज्ड पर्संस आर स्टिल इन JC। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली वी आर लाइकली टू गेट अ पुलिस कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड एंड देन द फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी कैरिड आउट। कितने गिरफ्तार हुए हैं टोटल? गिरफ्तारी कितनी हुई और उसमें डॉक्टर कितने हैं? टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं, दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके ज़रूर हैं पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। कितनी कंप्लेंट्स अब तक मिल चुकी हैं इस तरीके से जिसको आप आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे फर्दर? कंप्लेंट्स तो हमारे पास एक कंप्लेंट अभी और है, एक कंप्लेंट जो 27/10 का इंसिडेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी दी हुई हैं, जिसकी इंक्वायरी उस एंड पे की जा रही है। ये हैं मौत बांटने वाले 4 डॉक्टर जिनके बारे में पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे कर रही है। पहला नाम है नीरज अग्रवाल, उनके साथ उनकी बीवी पूजा अग्रवाल, साथ ही पुलिस की गिरफ्त में डॉक्टर जसप्रीत और OT टेक्नीशियन महेंद्र भी है। इन चारों की चौकड़ी में मिलकर कई लोगों की जान ली है। ये मामला है दक्षिण दिल्ली के पास के इलाके ग्रेटर कैलाश की। आपकी स्क्रीन पर ये जो क्लिनिक नजर आ रहा है, मौत के इसी क्लिनिक में सर्जरी के दौरान 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के घर वालों ने पुलिस में केस दर्ज कराया और पुलिस ने फर्जी डॉक्टर नीरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जब इसकी जांच हुई तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये डॉक्टर बिना किसी डिग्री के अपने मरीज के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते थे। मरीज कैसा भी हो उसे फौरन ऑपरेशन करने की सलाह देते थे। हत्या उसने की, उसने एक परिवार की नहीं करी, 2 परिवार की हत्या करी, क्योंकि उसका भाई जय नारायण का वो
कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया था, उसकी भी वही देखभाल कर रहा था। ऐसे परिवारों को छिन्न भिन्न करने का नीरज अग्रवाल के माध्यम से ये काम हुआ है। मैं उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहता, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे कसाईयों को तुरंत प्रभाव से सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मीडिया के बंधु इनको बेनकाब करें, जिसके ऊपर जो है करीब 10 से ज़्यादा की हत्याओं के केस दर्ज हैं। ये पूरा समाज जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, और इसको हम जग जग तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे हत्यारे को जेल भेजना चाहिए, इसकी हमने पुनर्जोर मांग की है। राजपाल जी, 2022 में अक्टूबर महीने में आधे घंटे के अंदर दो मरीज गरीबों की मौत हो गई थी, वो भी गोल्ड ब्लैडर ऑपरेशन में, ऑपरेशन के टेबल पर ही डेथ हो गया, क्या कहें? ये एक ऑपरेशन नहीं, इसके खिलाफ 50 से ज़्यादा हत्याओं के केस हैं, लेकिन गरीब आदमी को दबा दिया जाता है, गरीब की FIR नहीं होती, गरीब को न्याय नहीं मिल पाता, न्याय व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। इस बात का हमने जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं एक निगम पार्षद और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन हमें भी कितनी इसमें बाधाएँ आई इसको इस तक जेल तक पहुंचाने में। इसलिए समाज में ज़्यादातर जितने लोगों की हत्या हुई है वो गरीब व्यक्ति से, गरीब परिवारों से आते हैं। उनको हत्या इसलिए उनकी हुई कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वकीलों के फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, कोर्ट में बड़ा वकील चाहिए, ये पावा जैसे बड़े वकील को हाई कोर्ट में पेश करता है जिनकी फीस भी लाखों में है, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा और गरीब को इंसाफ कैसे मिलेगा? जबकि वो पौस इलाका है, वहाँ पर नर्सिंग होम चला ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं MCD या और भी अधिकारी जो जैसे SDM है, ये सबको भी देखना चाहिए। ऐसा है, इसमें चलाने में दिल्ली सरकार का ही इस पे कंट्रोल होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई कंट्रोल होता नहीं है दिल्ली में, और दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, ये इसकी परमिशन और इनको ग्रांट देते हैं। इस तरह का ये गोलमाल इनकी आपस की मिली भगत से हो रहा है। इसमें कितने ऐसे डॉक्टर जो अच्छे लोग भी हैं वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे नकारा और निकम्मे लोगों के कारण आज भगवान शब्द के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था, आज ऐसे कसाईयों के कारण वो लोग भी अपने को लज्जित महसूस कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2022 में भी एक महिला की मौत सर्जरी के बाद हो गई थी, जिसे प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि महिला के डिलीवरी बिना सर्जरी के हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद उसकी सर्जरी की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब इस मामले की भी जाँच की है और मामले में कार्रवाई की है। आस पड़ोस के लोगों ने भी इस नर्सिंग होम की क्रूरता की कहानी बयां की है। जितनी दर्दनाक मौत इतने सिंपल चीज़ के लिए, गॉल्ड ब्लैडर स्टोन तो आज की तारीख में एक कैटरेक्ट की तरह एकदम मामूली सा चीज़ है, उसमें एक 40 साल के नौजवान की डेथ हो जाए, गरीब हैं वो आते हैं, और इतना अनहाइजीनिक कंडीशन है। उस दिन हमारे को विटनेस बनाया गया था, जब सील हो रहा था तो जो ऑपरेशन थिएटर है वो इतना बुरे हालत में था, और वो लोग बोल रहे थे हमारे को, जो एम्स के लोग जो आए थे फॉरेंसिक के, वो बोलते हैं हमारी मॉर्चरी इससे ज़्यादा साफ़ होती है। सो इतना सब कुछ जब हमने सुना और देखा तो दिल में बुरा लगता है। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे अगर अब तो खैर बंद हो गया, हर आधे एक घंटे में एक ऑटो आता है, उसमें कुछ पेशेंट बैठे होते हैं, वो ये हो जाते हैं, तो सारे दलालों के का पूरा चक्रव्यूह था, जिसके करके यहाँ पे सारा बिजनेस आता था। पुलिस में भी कंप्लेंट डाली थी, आज तक तो नहीं हुआ। सर, जब से ये नर्सिंग होम बना है अभी तक एक अंदाज़ा कितने की डेथ हो चुकी होगी? डेथ तो काफ़ी हो गई होगी, कि नेचुरल भी हो सकती है, कि नेचुरल इन द सेंस कि भी एक थ्रू द प्रोसेस के बीमारी गंभीर हो, बट जो इस तरह के जो केसेज आए ये भी बहुत सुने हैं कि भाई बहुत मतलब मैल प्रैक्टिसेस। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने हमारे यहाँ पे आपस में गरीब तबका है, वो जब रोते हैं और बात करते हैं तो अपने दुखने रोते हैं हमारे सामने, वो तो पता लगता है कि मौतें तो काफ़ी हैं, महीने दो महीने में देख हुई जाती है। इलाके में SDM है, यहाँ पर लड़का लड़की का जांच भी होता था जी, तो इस तरीके से कभी सील करने का कोशिश नहीं किए सरकारी अधिकारी, या पैसे के बल पर डॉक्टर नीरज अग्रवाल चल रहे थे? बिल्कुल पैसे के बल पे था। आपको बताते हैं, करीब 5-7 साल पहले भी SDM खुद ने यहाँ पे छापा मारा था,
और एक कंप्लेंट आई थी, बट somehow हमेशा हमने मतलब हम RWA आपस में अपने आप को एकदम ऐसा समझते थे कि हमारे कुछ है ही नहीं, कि कोई कंप्लेंट किसी की जगह पे काम नहीं आ रही है, हमने कौन सी जगह, बिकॉज देखो हमारे को अंदर क्या पेशेंट्स के साथ हो रहा है वो हमारे को पता भी नहीं लगता था और हमारे को उतना लेना देना नहीं था, बट ये एक पब्लिक न्यूसेंस था कि रात भर पेशेंट्स का आना जाना, दिन भर आना जाना, अनसैनिटरी कंडीशन है, कोई वेटिंग रूम नहीं है, तो 20-20 उसके जो छोटा सा जगह है 25 बेड हैं, अब हर पेशेंट के साथ अगर दो अगर अटेंडेंट भी हो तो 50-60 बंदे सड़कों पे बाहर बैठे होते हैं। तो ग्रेटर कैलाश थाने के SHO अजीत कुमार और श्री भगवान जी केस के IO थे जी, क्या माने यहाँ के लोग कितने खुश हैं जिस तरीके से पुलिस ने काम किया इस बार, तो कमाल कर दिया। कभी एटलीस्ट अरेस्ट तक नौबत आई है, इससे पहले वो बीच में ही कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाता था, बट पुलिस स्टेशन की मैं बता दूं 2022 में भी एक बहुत ऐसा गंभीर केस आया था, तब भी हमारे को अजीत जी ने बोला था राजीव जी आप निश्चिंत रहिए, अगर गलती है तो उसकी सज़ा होगी, बट कुछ हुआ नहीं पाया, तो हम लोग फिर निराश हो गए थे, बट इस बार हमारे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ठोस सबूत आए हैं, हाथ में के यहाँ तक पहुँचा है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अब शायद उनको रियलाइज़ हुआ कि इतनी मौतों के बाद ही कम से कम या इतनी मैल प्रैक्टिसेस के बाद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लगा कि भाई कुछ गलत है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तो जो कि अब शुरू हो गई है, यहाँ के लोग तो खुश हैं। आपको बता दें कि अग्रवाल मेडिकल सेंटर में इलाज के नाम पर मौत का खेल खेलने वाले मास्टरमाइंड का नाम है डॉक्टर नीरज अग्रवाल। नीरज अग्रवाल पहले सफदरगंज अस्पताल में नौकरी कर चुका है, कुछ साल काम करने के बाद उसने ये मेडिकल सेंटर खोला जिसमें उसकी पत्नी पूजा अग्रवाल एक नर्सिंग स्टाफ की तरह काम करती थी। इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन टेक्नीशियन के तौर पर महेंद्र भी काम कर रहा था। इन तीनों ने इस अस्पताल में डॉक्टर जसप्रीत जो कि एक सर्जन है उनका लेटर हेड रखा था। मरीज जब यहाँ आते तो उनकी सर्जरी की जाती और कागज पर डॉक्टर जसप्रीत का नाम होता जबकि ऑपरेशन टेक्नीशियन महेंद्र करता था, और शायद यही कारण था कि टेक्नीशियन द्वारा किए गए ऑपरेशन के कारण कई मौतें हुई हैं। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि डॉक्टर नीरज अग्रवाल जब सफदरगंज हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उस वक्त वहां पर उनके काफी कॉन्टेक्ट बन गए थे, और हाल के दिनों में भी एक सिंडिकेट के द्वारा सफदरगंज से मरीजों को इस अग्रवाल मेडिकल सेंटर में रेफर किया जा रहा था, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस हॉस्पिटल में मेडिकल नेग्लिजेंसी होती थी बल्कि उसके नाम पर हर महीने लाखों रुपए की कमाई भी हो जाती थी। पुलिस इन तमाम सिंडिकेट को लेकर जांच में जुटी हुई है। जिस तरह से बड़े हॉस्पिटल और बड़े डॉक्टर का नाम इस पूरे रैकेट में आ रहा है, जाहिर है आने वाले दिनों में मेडिकल नेग्लिजेंसी के इस रैकेट में कई और आरोपी और कई अपराध सामने आएंगे।